नमस्कार दोस्तों, आज एक फिल्म रिलीज हुई है करतम भुक्तम। नाम ऐसा है कि नाम से आप हैरत करोगे, करतम भुक्तम, जैसा करोगे वैसा भुक्तोगे। करतम भुक्तम फिल्म कैसी है और ये फिल्म आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सारी बातों पर चर्चा करूंगा। फिल्म में विजय राज का किरदार बहुत ही एकदम दिलचस्प तरीका के है। वो हाथ देखकर सभी का कुंडली बता देते हैं, भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, और वो बात सही साबित होता है। इस फिल्म में सरिया स्तर पर है, जो कि न्यूजीलैंड से भारत आते हैं और भारत में भोपाल में उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, उनके पिता की, जिनके माता पिता चल बसे हैं, उनके पिता की प्रॉपर्टी है, वे बेचारे कोविड-19 में चल बसे, तो अपने पिता की प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने के लिए 10 दिन रुकना चाहते हैं। और जब भी कोई काम करते हैं तो इतनी अड़चन आती है कि उनका दिमाग खराब हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी बीच उनकी भेंट हो जाती है विजय राज से। विजय राज क्या है, लोकल ज्योतिष है, सबका हाथ देखता है, उनका सभी भविष्यवाण, सभी अगला पिछला बता देता है, सारा कुंडली बता देता है। तो विजय राज अपने इमेज के अनुसार रोल किए हैं, जैसा कि आप कौवा बिरयानी रन फिल्म में उनका इमेज बना था, उसी प्रकार का इमेज इसमें भी है। संवाद अदायगी और उनका जो प्रस्तुतिकरण, भाव भंगा प्रस्तुतिकरण, ऐसा विजय राज का है कि फिल्म देखते बनेगा आपको। साथ ही साथ सरयत तरपरे ने भी गजब का एक्टिंग किया है, लाजवाब एक्टिंग किया है। फिल्म के फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको मजा आता है, सेकेंड हाफ में आपको फिल्म से जुड़ जाते हैं। और ये फिल्म शैतान फिल्म के बाद एक बार फिर से एक रहस्यवादी फिल्म है। ये आत्मा परमात्मा भगवान है कि नहीं है, भगवान को मानना नहीं मानना, आस्तिक नास्तिक और ज्योतिष, ये सब, ये सारी विषय पर ये फिल्म बनी है। दोस्तों अब एक्टिंग की बात करें तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि विजय राज शानदार एक्टिंग किया, साथ ही साथ सरिया तरपरे का भी जवाब नहीं, साथ में इसमें मधु का भी किरदार है, वे अपने किरदार में फिट बैठी है। सबसे बड़ी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और इसका जिस जगह पर जैसा म्यूजिक होना चाहिए, म्यूजिक लाजवाब है, म्यूजिक इस फिल्म के कहानी को कनेक्ट करता है। तो शैतान फिल्म के बाद यह एक जबरदस्त देखने लायक फिल्म है, जिसे एक बार सबको देखना चाहिए। और मैं बात करता हूँ रेटिंग की, इसे मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।